हेलो, मैं हूँ ईशान शाहने रेफ स्पोर्ट्स से, और आज मैं और देवाशीष जैक्सन हाइट्स पे आ चुके हैं। और जैक्सन हाइट्स एक ऐसी जगह है यहाँ पर हर किस्म के कल्चर्स मिक्स होते हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी एंड इवन श्रीलंकन्स। तो जब हम आए यहाँ पर बहुत ही फैसिनेटिंग था, बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत सारे वेरियस कल्चर्स है यहाँ पर, बहुत सारी दुकान है जहाँ पर बहुत सारे खाना भी मिलता है, आपको समोसे मिलेंगे, पानी पूरी मिलेगी और डिफरेंट वैरायटी की मिलेगी। सो ओवरऑल यहाँ पर एक ही लेसन है कि यहाँ पर बॉन्डिंग बहुत है लोगों की, एंड एवरीवन इज़ रियली लिविंग एंड हैप्पीली इन दिस प्लेस टुगेदर। तो आई थिंक यही उम्मीद रखते हैं कि यार हर जगह यही प्यार से लोग जिए। एंड ऑब्वियसली वर्ल्ड कप के बारे में भी लोग बहुत पैशनेट है, जो आप बाद में ये वीडियो में देखेंगे। बट फाइनली गाइज, मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ पर हूँ। आई एम श्योर देवाशीष इज़ फीलिंग द सेम वे, एंड आई होप दैट आप लोग हमारे कंटेंट को वापस सपोर्ट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, बिकॉज वी नीड ऑल द सपोर्ट दैट वी कैन गेट। थैंक यू, दिस इज ईशान फ्रॉम रेफ स्पोर्ट्स। बहुत ही शानदार सी दुकान में, वाओ, मैं मेरे मन से मतलब वाओ ही निकल रहा है, क्योंकि सर शेखर सर जो ये दुकान के मालिक है यहाँ पर, इसने बहुत ही अच्छे से मतलब ये पूरी दुकान को अच्छी तरह से बनाया। शेखर जी, पहले आप अपने दुकान के बारे में थोड़ा कुछ बता सकते हैं वाओ डिज़ाइंस के, क्योंकि सच में बहुत ही वाओ है। और हम दोनों पहुँचे यहाँ पर और सच में मतलब लगा कि यार ऐसे लगा कि इंडिया पहुँचे हम लोग। बिल्कुल, मेरी शॉप जो है, बिल्कुल आपने सही बोला, ये लोग भी आके यही बोलते हैं, ऐसा लगता है हम तो इंडिया में आ गए हैं। वो टोटल मेरे पास इंडिया के स्टफ़ हैं यहाँ पर, आपको जो चाहिए, शादी का, पार्टी का, जो सामान चाहिए, सब कुछ यहाँ पर मिलता है। जागो जागो द डंडा, छत छूत मैया का सामान, टोलकी टोलकी, कैंटे कुंटे, बाग बुक जो चाहिए, पंजाबी जुत्ती है, बहुत सोहनी जुत्ती है मेरे को, जे बंदे दे मेरे को इस तरह की जुत्तियाँ जेडे तिले दबके का वार कहेगा, लेडी की शूज़ हैगी, इन्नी सोहनी सोहनी शूज़ हैगी मेरे को, ले तिले दबके का वार कहेगा, और समान मैं बहुत चंगा रखता है, और 7 डेज ओपन रखता, क्लोज दे कभी रखता ही नहीं है। सॉरी, मैं पंजाबी बोलता है, मैं पंजाबी हैगा, मैं सॉरी मैं कहूँगा मैं हिंदी से भी बोलता है। मेरी शॉप बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, सब लोगों की पसंद की है। मैं इंडिया का स्टफ़ सारा यहाँ पे रखा हुआ है, सब आप लोगों के लिए। ये ब्राइड के मेरे पास पोटली बैग भी हैं, ब्राइड की मेरे पास प्लेटेस भी हैं, डेकोरेशन की आइटम भी है, मनी मनी कार्ड भी हैं, और क्या नाम है आपके, क्लचेस भी हैं, बैंगल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट ब्राइडल चूड़ा है, यानी ब्यूटीफुल मेरे पास ईयरिंग भी है, और अमेजिंग। बिल्कुल बिल्कुल शिखर जी, बट आप जैक्सन हाइट्स के बारे में कुछ बता सकते हैं कि आपने जैक्सन हाइट्स कैसी मतलब ऐसी जगह क्यों चुनी? जैक्सन हाइट मैंने इसलिए चुनी क्योंकि मैं जब इंडिया से आया, तो मैं फर्स्ट टाइम जब जैक्सन हाइट आया तो मैंने देखा मैं तो वापस इंडिया में आ गया, क्योंकि बिल्कुल सिमिलर, बिल्कुल ऐसा है। मुझे तो एक बार आके लगा जैसे दिल्ली के अंदर हूँ मैं, और दिल्ली की करोल बाग मार्केट जो है बिल्कुल सिमिलर आएगी यहाँ पर, दिल्ली जैसे खाना मिलती है, बिल्कुल दिल्ली जैसा खाना भी मिलता है, दिल्ली के लोग भी हैं यहाँ पर, और आपको पंजाबी रेस्टोरेंट भी मिलेंगे और मराठी रेस्टोरेंट भी मिलेंगे आपको, और क्या नाम है हमारे जो इंडियन है, दिल्ली के हैं, दिल्ली वाले भी आपको टेस्ट मिलेगा, और यहाँ पर बंगाली पीपल भी हैं, जो कि आपको फील आएगा बांग्लादेश का और कलकत्ता का। यहाँ पर जैसे पुचका वगैरह, जैसे अपन गोलगप्पे बोलते हैं तो पुचका बोलते हैं, तो आपको वो शुरू में जब मैं आया पुचका वर्ड सुना, मैंने कहा वाह पुचका, पुचका मीन्स गोलगप्पा, गोलगप्पा बोलते हैं, और बॉम्बे के अंदर बोलते हैं पानी पूरी। वाह, तो शिखर जी आपने बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया यहाँ पर कि कल्चर डाइवर्सिटी यहाँ पर है, तो यहाँ पर बहुत प्यार से मतलब सब जीते हैं यहाँ पर, मतलब इट्स वेरी लाइक इट्स जस्ट लव एवरीवेयर। देखो यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी तरह के लोग रहते हैं, नेपाल से भी हैं, बांग्लादेश से भी हैं, भूटान से भी हैं, और पाकिस्तान से भी हैं, और अफगानिस्तान से भी हैं, सभी तरह के लोग हैं, बहुत प्यार से रहते हैं, और सभी तरह का स्टफ भी मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, तो लोग मेरे पास आते हैं, बहुत प्यार से मिलते हैं और मेरे को बहुत अप्रिशिएट करके जाते हैं। एनर्जी भी इतनी अच्छी है, तो ऑब्वियसली लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, डोंट वरी। और जो मेरे से बात करें भैया जी, ये बिल्कुल हीरो हैं, मेरे को इनको देखते ही लगा, मैंने कहा फिल्म सिटी से बॉलीवुड एक्टर आ गया मेरे पास, तो कोई बहुत अच्छे हैं, बातचीत करने में बहुत अच्छे हैं, जो इनके क्वेश्चन थे वही बहुत अच्छे हैं, मैं हैप्पी हूँ। शिखर जी, बट लास्ट थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट, लास्ट फाइनल क्वेश्चन, इंडिया वर्ल्ड कप बड़ा टूर्नामेंट है, वर्ल्ड कप आ चुका है यहाँ पर, इंडिया के चांसेस क्या लग रहे हैं आपको? अच्छी टीम है, यंग टीम है, एक्सपीरियंस भी है, बट चांसेस क्या लग रहे हैं? इंडिया इज द नंबर 1,
बेस्ट टीम, इंडिया जैसा कोई नहीं। इंडिया जो है कोशिश करती है और हारती कभी नहीं है, वो विनर ही बनती है और विनर ही बनेगी वो। ऑन दैट नोट गाइस, इंडिया विनर है और विनर ही बनेगी। फैमिली के मेंबर हम भी इंडिया से हैं, हम श्याम चुरासी के हैं, जलंधर के साइड पर है वो, वहीं के हैं हम भी। हम बहुत प्यार करते हैं इंडिया से, जैसे पाकिस्तान है वैसे ही इंडिया है। हम लोग इंडिया में पैदा हुए हैं लेकिन एक जैसे हैं वो दोनों मुल्क। खाना पहनना ओढ़ना ज़मीन भी सब कुछ एक जैसी है, लेकिन लोगों के दिलों में फ़र्क नहीं होना चाहिए। इंडिया में अभी हाँ वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान का मैच होगा। हाँ जी, मतलब बहुत हाई इंटेंसिटी। हम चाहते दोनों एशिया के हैं, दोनों में से कोई भी जीते एशिया का नाम ये होता है। वो लोग बुरा मनाते हैं कि इंडिया वाले हैं कि पाकिस्तान जीत गया। नहीं, हम नहीं बुरा मनाते कि इंडिया जीतता, हम खुश होते हैं। लोगों के दिलों में फ़र्क नहीं होना चाहिए। हार जीत दो पहलवान हैं, वो लड़ते हैं, एक गिरता है, एक जीतता है, एक हारता है, उसमें ये नहीं होना चाहिए। हमारे दिलों में प्यार है, हम इंडिया वालों के दिलों में भी प्यार होना चाहिए। मिलें जुलें आपस में, भाईचारा इसी तरीके से बढ़ेगा, जो रंजिशें हैं वो ख़त्म होनी चाहिए, ताकि इसी तरह से